हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारी बैक टू बैक करंट अफेयर्स में। आइए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, इसरो ने प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव की शुरुआत कहाँ से की है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, कोलकाता। सही आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शंस हैं मिताली राज, नीरज चोपड़ा, मिताली ठाकुर, केशव पंडित। सही आंसर है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC ने किस ट्रेन में देरी के लिए यात्रियों को भुगतान करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, नई दिल्ली लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली मुंबई तेजस एक्सप्रेस, नई दिल्ली बनारस गरीब रथ एक्सप्रेस। इसका सही आंसर है नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन द टेक विस्पर पुस्तक का लेखक है? जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बिंद्रा, अरविंद घोष, अरविंद रनाडे। सही आंसर है जसप्रीत बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कतर, अफ्रीका। सही आंसर है कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? ऑप्शंस हैं कतर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फ्रांस। सही आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस हैं 2006, 2007, 2005, 2004। सही आंसर है सन 2006, फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट है, कौन भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता होंगे? ऑप्शंस है अभिनंदन वर्धमान, अभिनंदन सिंह, अभिनंदन ठाकुर, अभिनंदन घोष। सही आंसर है अभिनंदन वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शंस मुकेश अंबानी, अनिल टाटा, रतनजी टाटा, बिमल जलान। सही आंसर इसका मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 सितंबर, 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 12 दिसंबर। सही आंसर इसका 12 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन के लिए मेजबानी की है? ऑप्शंस अलीगढ़, बनारस, लखनऊ, कानपुर। सही आंसर इसका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का 125वां उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, सिक्किम। सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनो ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं PNB, ICICI, HDFC, SBI। सही आंसर है इसका SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 4 मई 1949, 4 सितंबर 1949, 4 अप्रैल 1949, 4 नवंबर 1949। सही आंसर है इसका 4 अप्रैल 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं सन 2018, सन 2019, सन 2017, सन 2016। सही आंसर इसका सन 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से जीवा राव, ई श्रीधरन, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय केलकर। इसका सही आंसर है ई श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम नेत्रहीन IAS का क्या नाम है जो केरल में सहायक कलेक्टर बनी है? ऑप्शन से ज्योति रावत, अंजलि पटेल, प्रांजाल पाटिल, प्रतिभा देशमुख। इसका सही आंसर है प्रांजील पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मान 2019 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं भोपाल, लखनऊ, अमीरपुर, इलाहाबाद। सही आंसर है इसका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं कतर, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, भारत। इसका सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह औपचारिक रूप से किस देश को सौंप दिया है? ऑप्शन हैं आपके चीन, जापान, भारत, रूस। इसका सही आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन हैं 127वां, 138वां, 139वां, 140वां। इसका सही आंसर है 140वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का विशेष ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन से भारत, श्रीलंका, स्वीडन, कतर। इसका सही आंसर है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर गए? ऑप्शन हैं आपके कतर, ओमान, जिबूती, अफ्रीका। इसका सही आंसर है जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन हैं लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओमी जे भाभा, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव की वजह से वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 को किसने पेश किया था? ऑप्शन हैं पीयूष गोयल, अमित शाह, अरुण जेटली, नीलम सीतारमण। इसमें से आपका जो सही आंसर है वो है पीयूष गोयल। ये हमारी बैक टू बैक करंट अफेयर्स की एक सीरीज थी। जल्द ही आपको हम दूसरी सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।